हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोस्ट फेमस डिश दालचा भात, जिसे स्पेशली शादियों में या किसी स्पेशल ओकेशन पर बनाया जाता है, जो खाने में टेस्टी तो है ही, साथ ही बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ऐसे टेस्टी यम्मी दालचा भात के लिए मैंने लिया है खट्टा पालक। पहले मैं आपको दालचा के लिए जो चीज़ें लगती है वो दिखा रही हूँ। तो मैंने लिया है खट्टा पालक और लौकी। खट्टा पालक 250 ग्राम है और लौकी भी अराउंड 250 ग्राम है। उसके अलावा ये है रहर दाल और बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च है। मसाले में सरसों, जीरा, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट है और कुछ खड़े मसाले हैं और एक स्ट्रिप करिया पत्ती का है। और ये है तेल और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। और भात के लिए, मतलब बघारा खाने के लिए, मैंने लिया है नॉर्मल HMT जो राइस होता है वो है, ये 2 ग्लास है। आप चाहो तो बासमती राइस का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, शाही जीरा और कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में फूल चक्र, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग है। और ये है थोड़ा सा पुदीना, करिया पत्ती और तेजपत्ता, तेल और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। तो और ये है फूड कलर। फूड कलर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग चावल को अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए भीगने रख देंगे और दाल को भी धो लेंगे। मैंने दाल को भी अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करके अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी डालकर मैंने लौकी का भी छिलका उतार कर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मैंने लौकी भी डाल दिया है और टमाटर, ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर है। और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। और प्याज मैंने 2 बड़े वाले काट लिए थे, मैं थोड़ा सा अभी डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं बाद में यूज़ करूँगी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ अराउंड 1/2 टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा तेल। डालकर कुकर का ढक्कन बंद करके 3 से 4 विजल या तब तक जब तक कि दाल नहीं पकता है हम लोग पका लेंगे। अभी मैंने दाल पकने के लिए रख दिया है, चावल भी भीग गए हैं। अब हम बनाते हैं बघारा खाना। मैंने एक बर्तन रखा, उसमें मैंने डाला है ऑयल। ऑयल डालकर अभी मैं इसमें डाल रही हूँ बड़ी इलायची और तेजपत्ता। 1 by 1 मैं सारे खड़े मसाले डालूंगी, दालचीनी, हरी इलायची, फूल चक्र, लौंग डालकर मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर रही हूँ। खड़े मसाले आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऐड कर सकते हो या चेंज भी कर सकते हो। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून शाही जीरा और थोड़ा सा करिया पत्ती। शाही जीरा की जगह आप नॉर्मल जीरा का भी यूज़ कर सकते हो। डालकर अब मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ धीमी आँच पर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीना। पुदीना के साथ आप चाहो तो धनिया पत्ती भी ऐड कर सकते हो। डाल के इसको भी हल्का सा भून रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बघारा खाना आप दालचा के अलावा दाल फ्राई, रायता या किसी भी सब्जी के साथ खाओ, सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। इसी कप से मैंने 2 कप चावल लिया था तो मैं 4 कप पानी डाल रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो 1/2 कप पानी कम डालना। अब पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स करके इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक मैं अराउंड 1 टीस्पून डाल रही हूँ। डालकर अब मैं इसे पानी उबलते तक पकने के लिए रख दे रही हूँ। अब पानी में बॉईल आ गया है, मैंने चावल को छन्नी में निकाल लिया था। निकाल कर अभी मैं इसे डाल रही हूँ उबलते हुए पानी में। डालकर थोड़ा सा मिक्स करके इसे ढककर हम लोग तब तक पकाएंगे जब तक कि चावल अच्छे से पक नहीं जाता है। अभी मैंने इसे मिक्स कर दिया है। यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना, नमक कम है तो आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हो। अभी मैं इसे ढक दे रही हूँ। ढक के मैं इसे पूरी तरह से पकने दूंगी। अब चावल ऑलमोस्ट अच्छे से पक गया है बट इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बचा है तो मैं इसे एक बार मिक्स करके ढक के धीमी आंच पर तब तक पकने दूंगी जब तक कि ये कम्प्लीटली पक नहीं जाता है। ढककर 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दूंगी। 3 मिनट बाद चावल एकदम अच्छे से पक गए हैं और एकदम खिले खिले बने हैं। ये चावल हैदराबाद का फेमस डिश तो है ही, साथ ही महाराष्ट्र में भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसे स्पेशल ओकेशन पर या शादी पार्टियों में बनाया जाता है। अब चावल बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर। यहाँ पे फूड कलर डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट फूड कलर डालने से चावल एकदम अट्रैक्टिव लगते हैं और पार्टियों वाला फील आएगा। अब मैं इसे ढक के 1 मिनट बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। अब हमारे चावल बन गए हैं, हम बनाते दालचा। मैंने 4 विजल आते तक दाल को पकाया है। उसके बाद प्रेशर अपने आप ठंडा होने दिया, दाल बहुत अच्छे से पक गया। इसको मैं स्पून से थोड़ा सा मैश कर ले रही हूँ। अभी मैंने रखा है एक पैन, इसमें मैं डाल रही हूँ अराउंड 3 टीस्पून जितना ऑयल। ऑयल डाल के मैंने डाला है सरसों, जीरा और दालचीनी।
खड़े मसाले वन बाय वन मैं सारे डाल रही हूँ। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, यहाँ पर भी आप खड़े मसाले अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला है करिया पत्ती और जो प्याज हमने बचा के रखा था वो प्याज मैं डाल रही हूँ। डालकर अब मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ, तब तक जब तक कि प्याज थोड़ा सा भुन नहीं जाता। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, डाल के मैं थोड़ा सा और भून रही हूँ। ये दाल चाबी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं खट्टा पालक और लौकी, तो खट्टा पालक में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अभी मैंने डाला है खट्टा पालक, खट्टा पालक डाल के अब मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी, तब तक जब तक कि ये पालक अच्छे से गल नहीं जाता है। खट्टा पालक में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। साथ ही इसमें लौकी यूज़ कर रहे हैं, लौकी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अभी मैं इसे ढक के थोड़ी देर पकने के लिए रख दे रही हूँ, या तब तक जब तक कि पालक अच्छे से गल नहीं जाता। अब 3-4 मिनट बाद पालक एकदम अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं पालक पूरी तरीके से गल गया है। पालक वैसे बहुत जल्दी पक जाता है। अभी मैंने इसमें डाला है हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। डालकर अब मैं इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। खट्टा पालक नॉर्मल पालक के कंपैरिजन में बहुत जल्दी पक जाता है। अब मसाले पालक काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, पक गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पका हुआ दाल, जिसे लौकी और दाल डाल के हमने पका के रख लिया था। अब डालकर इसे हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं दाल थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो कुकर में थोड़ा सा दाल लगा हुआ है, इसमें मैंने अराउंड 1/2 ग्लास पानी डाला है। डालकर मैं वो पानी दाल में डाल रही हूँ। डालकर अब हम इसको और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखा है। ये दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, खट्टा, चटपटा, बहुत अच्छा है इसका टेस्ट। अगर आपने कभी नहीं बनाया तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना। दाल चावल कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। अभी मैंने यहाँ पे और 1/2 ग्लास पानी डाला है, क्योंकि दाल मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था। तो ये दाल ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा अच्छा लगता है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला अच्छा लगता है। इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम रहना चाहिए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। ये दाल का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद करते हो तो थोड़ा सा इमली का पल्प डाल सकते हो, बट मैंने इमली का पल्प डालना स्किप कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। मिक्स करके अब इसे ढक के 3-4 मिनट तक और पकने के लिए रख दे रही हूँ। अभी मैंने इसे 5 मिनट तक पकाया है। 5 मिनट बाद ढक्कन निकाल के मैं चेक कर रही हूँ, दाल ऑलमोस्ट पक चुका है। यहाँ पे आप एक बार कंसिस्टेंसी चेक कर लेना, इतनी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अभी हमारा दाल ऑलमोस्ट बन गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट कस्तूरी मेथी डालने से इसका फ्लेवर और अच्छे से आएगा। कस्तूरी मेथी की जगह आप चाहो तो हरा धनिया का भी यूज़ कर सकते हो। अब कस्तूरी मेथी डालकर मैं इसे मिक्स करके धीमी आँच पर 1 मिनट और पकने दूंगी। अब हमारा दालचा बनके रेडी है, हमारा बघारा खाना भी बनके रेडी है। आप देख सकते चावल कितने सुंदर दिख रहे हैं और कितने खिले खिले बन गए हैं। अब मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग प्लेट में। ये दालचा और बात का कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट है कि आपको रोटी, सब्जी या कोई और साइड डिश बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अपने आप में एकदम कंप्लीट है। अब मैं सर्व कर रही हूँ दालचा। आप देख सकते हैं दालचा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। अब आप भी ये टेस्टी यम्मी दालचा बात ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।